नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। कैसे हैं बच्चों? सबसे पहले गुड मॉर्निंग जितने लोग जुड़े हैं। कल रात के 9:09 का वो लोगों का अपने देश के प्रति प्यार, अपने जनता के प्रति प्यार कहें या एक दूसरे के प्रति प्यार कहें, भावना कहें, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर 9:00 पक्का पूरा का पूरा 9 मिनट तक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी ये काम किया होगा, हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक ऐसा समय है जो अपने आप को, मतलब एक तरह से कहिए जिंदा रहने की लड़ाई है। उसी में से आज कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे इस वीक में डीआरडीओ का बैच बिल्कुल लाइनअप हो जाएगा, दिख जाएगा आपको अनअकैडमी पे। और अगर एसएससी 2020 का टारगेट करते हैं तो एसएससी 2020 को टारगेट करते हुए बिल्कुल जीरो से हीरो, जो कहते हैं ना सर मैं जीएस में बिल्कुल जीरो हूं, कैसे क्या होगा, ये रोहित सर की जिम्मेदारी है, आप छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। तो याद करिए, कई सारे बच्चों ने विश्वास भरोसा जताया है, आप भी विश्वास करिए और बाबा 10 कोड यूज करिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज ज्वलंत मुद्दे 4, यानी आज क्या बात करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में ये गंगा, जिसे भारत में मां का दर्जा हासिल है, जीवनदायिनी कहते हैं इसे। भारत में 26% उत्तर भारत के भागों को सींचती है, ये कवर करती है। जीवनदायिनी इसीलिए क्योंकि उत्तर भारत का जो पूरा खेती कृषि गंगा और उसके सहायक नदियों पर निर्भर है, इसीलिए इसे मां की का दर्जा प्राप्त है, जीवनदायिनी कहते हैं इसे। तो आज गंगा के बारे में सर बात करेंगे। ये बात मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है कि COVID-19 लॉकडाउन गंगा जल को स्वच्छ बना दिया, यानी जो प्रयास सरकार कर रही थी, जो नाकाम साबित हो रही थी सरकार, नमामि गंगे क्या कैसा कैसा प्रोजेक्ट आया था, लेकिन COVID-19 लॉकडाउन ने क्या ना कर दिया। जहां मानवता के नाम, मानवता को तो ये परेशान किया ही, घर में रहने को मजबूर कर दिया, लेकिन प्रकृति खुद को बैलेंस करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबके पाप धोने वाली गंगा खुद कैसी होती है निर्मल, होगी निर्मल। तो एक रिपोर्ट आया बच्चों, उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी ऑपरेशन करेंगे कि कितने लोगों ने गंगा को, आज नदियां भारत कभी मतलब कहा जाता है कि भारत नदियों का देश कहा जाता है, जहां 20,000 से बड़े बड़े से छोटे नदियां शामिल हैं, और आज नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हम इंसान इतने मतलबी हैं कि गंगा को, नदियां को नाले में परिवर्तित कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक महान पुरुष है गंगा के लिए, एक और भूख हड़ताल उत्तराखंड में देखने को मिला। सोचिए, गंगा के लिए भूख हड़ताल कर दिया इन्होंने, क्या हासिल होगा? लेकिन जो नदियां कल 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 बहती थी, आवाज करती थी, आज उसकी आवाज सुनने के लिए तरस गए लोग, क्योंकि हम लोग नदी से नाला बना दिए हैं। एक मूवी आई थी, याद होगा आपको, मूवी रन, जिसमें छोटे नाला में विजय राज को कुदवा दिया जाता है छोटी गंगा बोल के, यानी वो यमुना है, जबकि यमुना सिमट कर नाले के रूप में हो गई है। तो ये कौन है, आइए समझते हैं, चर्चा करते हैं इनके बारे में। 11 अक्टूबर 2018 को गंगा को निर्मल बनाने के लिए 112 दिन का भूख हड़ताल करने वाले जीडी अग्रवाल,
का ऋषिकेश के एम्स में 2 दिन पहले निधन हो गया था। तो सर ये कौन है? ये आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर थे। जब इनका निधन हुआ, सोचिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, क्या लगी थी यार इनको। ऐसे ही समाज सेवक हैं जो भारत मां के सच्चे सपूत माने जाते हैं। जब इनका मृत्यु हुआ तो संत गोपाल दास जी, जो मैंने अभी आपको ये इमेज दिखाया, ये संत गोपाल दास जी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठ गए, और वहीं बैठे जहां प्रोफेसर अग्रवाल ने भूख हड़ताल की थी। सोचिए, ये तो पहले की कहानी थी। समय बदला। इस लॉकडाउन से गंगा ही नहीं, प्रदूषण को भी कम देखने को मिला है, वायु प्रदूषण भी कम हुए हैं। सोचिए, ये देखिए मीटर, आप देख रहे हैं ये मीटर कहाँ चला गया, मॉडरेट पे आ गया है, जो एकदम हैजर्ड था, वेरी अनहेल्दी था। क्यों? क्योंकि 21 दिन तक तो गाड़ियां बंद हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रकृति खुद को बैलेंस करती है। सर जब भी प्रकृति को, नेचर को महसूस हुआ है अपने ऊपर बोझ, ऐसे ही चीज देखने को मिली है। एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लेग का एग्जाम्पल ले लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल ले लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ ना कुछ होता ही है। प्रकृति को महसूस हुआ कि लोग अति से, कहते हैं ना, अति करने के पर क्या होगा। चाइना में सर क्या क्या ना खाने लगे लोग, बताओ। अनाज तो कम पड़ रहा था, गया चूहे बिल्ली चमगादड़, तो लोग भोग तो जो कोरोना के रूप में देखने को मिला हमें। चलिए, तो आज बात कर रहे हैं कि गंगा कैसे क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 21 दिनों की तालाबंदी की घोषणा की थी। पूरा देश हतप्रभ रह गया। क्या होगा अब? सर हमने 21 दिन में 12 दिन तो गुजार दिए ना, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, बिल्कुल। लेकिन अगर ये कठोर फैसला माननीय प्रधानमंत्री नहीं लेते तो गांव के गांव साफ हो जाते सर, क्योंकि हमारे यहां फैसिलिटी है ही नहीं ऐसा। तो सर ये रिपोर्ट कहां से आया? केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर पीके मिश्रा के अनुसार गंगा नदी में प्रदूषण का 1/10 हिस्सा उद्योगों से आता है। सोचिए, यानी गंगा नदी की बात करें तो 5 राज्य हैं सर गंगा नदी की बात करें। देखो ये इमेज मैं अभी समझा रहा हूं बच्चों, 5 राज्य हैं, यानी उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 5 राज्य से निकलती है, तो गंगा नदी में प्रदूषण का 1/10 हिस्सा उद्योग से आता है। अभी तो उद्योग बंद है, स्थिति बेहतर हो गई है। ये देखिए कैसे स्थिति है उद्योग के कारण, देख रहे हो? यह हावड़ा का सीन है, ये देख रहे हो कैसे स्थिति है। गंगा तरस रही है जीवन जीने के लिए। उद्योगों को बंद करने और घरों में लोगों के रहने के साथ ही गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में लगभग 40 से 50% का महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। अब गंगा आचमन के लायक हो गई। आचमन समझते हैं ना, जो हम लोग पूजा करके बस मुंह में लगाते हैं। ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला है बच्चों। इसमें और फायदा हुआ है कि गंगा प्रवाहित क्षेत्रों में, यानी जो गंगा प्रवाहित क्षेत्र, जो 5 राज्य मैंने बताया, 15-16 मार्च को जबरदस्त बारिश हुआ है, जल स्तर भी बढ़ा, और जल स्तर बढ़ने से इनकी सफाई क्षमता भी तेज, पानी तेज गति से बहने लगी। उन्होंने बताया कि 10% तक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फैक्ट्री अब उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बंद है, यानी 5 राज्य तक बंद है। किसने? पीके मिश्रा जी ने बताया। अब सर एक चीज हम कैसे जानते हैं कि प्रदूषण है, पॉल्यूशन है सर? ये बीओडी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सर जल में प्रदूषण है हम कैसे जानेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, दैट मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बीओडी है उसका लोड 30% कम हो गया।
जहां पहले बीओडी की मात्रा 5-6 मिलीग्राम प्रति लीटर हुआ करती थी, अब घटकर 50% तक आ गई है, 2 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया है। बीओडी के अलावा सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीडीएस टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, जिस पर शोध किया जा रहा है कि कैसे इसे पूरी तरह से गलाया जा सके बचे हुए तीनों में। तो गंगा का पानी पहले की तुलना में साफ है, निर्मल है। गंगा का पानी पहले की तुलना में साफ है, निर्मल है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट भी लाया गया था, आपको याद होगा। अब आइए थोड़ा सा गंगा नदी प्रणाली के बारे में समझते हैं कि सर जब गंगा की बात उठी है तो गंगा नदी के बारे में ना बात करें तो ये बेमानी होगा। 5 राज्यों से, देवप्रयाग यानी उत्तराखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल के पास, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 धाराएं बढ़ जाती है गंगा की। तो सर गंगा भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, लेकिन भारत में 2510 किलोमीटर रहेंगी। देवप्रयाग के पास अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यह निकलती कहां से है? यह गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है, दक्षिण पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है। यह मैप देखिए, दक्षिण पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है और फरक्का के आगे, फरक्का के आगे यानी फरक्का के आगे, यहां वेस्ट बंगाल के पास, फरक्का के आगे देखिएगा, फरक्का के आगे भारत में भागीरथी हुगली तथा बांग्लादेश में पद्मा के रूप में विभाजित हो जाती है, यानी ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और फाइनली मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कैसा लगा आज का ज्वलंत मुद्दा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर, सेशन को शेयर करना और मैक्सिमम कमेंट्स करिए। सर आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, एक एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है आपके कमेंट्स को देखने के बाद। और अनअकैडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। डीआरडीओ का बैच आया है, आने वाले समय में एसएससी को फाइनलाइज कर रहे हैं कि कैसे मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया जाए। तो यूज कोड BABA10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। कैसे क्या करना होगा? तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, फिर उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद गेट ओटीपी यानी मोबाइल नंबर डालें, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा बच्चों कि सर मैनेज गोल, जो भी गोल है आपका, चाहे स्टेट पीसीएस हो तो यूपीएससी सीएससी में, एसएससी हो तो इसमें, रेलवे हो तो ये गोल है, बैंकिंग हो तो ये गोल है, सीडीएसएफ कैट यानी डीआरडीओ है। और सबसे बड़ी चीज कि 1 साल के दरमियान जो भी एग्जाम होगा एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा, बैंक के द्वारा, सब कवर होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कितने मंथ का? तो मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ सर कम से कम 2 महीने, कम से कम 12 महीने, कम से कम 12 महीने। तो इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कैसे? तो सर इंटर रेफरल कोड BABA10 करेंगे, अप्लाई करने मत भूलना वहां पे, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। जो 6,000 फी एसएससी का, वो घटकर हो जाएगा 5,400, 10% का डिस्काउंट। कैसे पेमेंट करें? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, गूगल पे, यूपी यूपीआई मनी, जो भी चाहिए आप। तो ये रहा बाबा की तरफ से आज का ज्वलंत मुद्दा। उम्मीद करते हैं ज्वलंत मुद्दा आपको मजा आया होगा समझ में। तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके से बर्निंग टॉपिक के साथ, ज्वलंत मुद्दे 5 के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।